नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीम स्कैडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले तो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे वर्ड लिखेंगे और एक वर्ड के डॉक्यूमेंट को ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेंगे और ये हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि ये टाइटल बार होती है, ये मेन्यू बार, ये टूल बार, ये आपका वर्किंग एरिया, यहाँ पे आपका स्टेटस बार और यहाँ पे जूम इन जूम आउट होता है, ठीक है। और इसे कहते हैं हम कर्सर कहते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हो आप कोई भी डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, जैसे कोई आपने लेटर लिखना हो, पैराग्राफ लिखना हो, उसके लिए आप यूज करते हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। यहाँ पे जैसे कि जहाँ पे आपका कर्सर है, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करते हो और आप इस पे कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बना सकते हो। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे टाइप नहीं करेंगे, हम क्या करते हैं यहाँ पे कोई डमी टेक्स्ट लेते हैं। उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इक्वल टू आर ए एन डी ब्रैकेट ओपन। अगर यहाँ पे सबसे पहले आएगा कि आपको कितने पैराग्राफ चाहिए, मान लो हमें दो पैराग्राफ चाहिए और हर एक पैराग्राफ में कितनी लाइन्स होनी चाहिए, मान लो 5 लाइन होनी चाहिए, और ब्रैकेट बंद, और हम जैसे ही एंटर दबाएंगे ये डमी टेक्स्ट हमें यहाँ पे आ जाएगा। अब मान लो इस टाइप की आपने कोई फाइल बनाई, आप तो टाइप करोगे और फिर अपनी फाइल को बनाओगे। मैं आज बताऊंगा आपको कि सेव और सेव एज में डिफरेंस होता क्या है। जब हम कोई नई फाइल बनाते हैं और उसे फर्स्ट टाइम उसे हम सेव करते हैं, तो उससे क्या कहते हैं, हम फर्स्ट टाइम की कभी भी अगर हम फाइल को सेव करते हैं तो हमें सेव एज करना पड़ता है। यहाँ देखो, मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ, तब भी ये कहाँ पे आ रहा है, आपका सेव एज पे ही आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैं सेव पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो सेव एज पे ही आ रहा है, तो वो सब फर्स्टली क्या होगा, आपका सेव एज होगी। तो जैसे डेस्कटॉप पे हम कर देते हैं इसको सैंपल नाम से सेव कर देते हैं, तो फर्स्टली आपकी फाइल क्या होगी, आपकी सेव एज हुई और यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपकी फाइल आ जाएगी। अब हम इसे डबल क्लिक करते हैं, ओपन करते हैं और यहाँ पे कुछ भी और डाटा ऐड कर देते हैं। मान लो हम फिर से एक पैराग्राफ इसमें 3 लाइन का ऐड कर देते हैं, ठीक है। अब हम अगर चाहे इसको अब फाइल में जाके हम इसको सेव करेंगे तो ये फाइल अब सेव होगी, ठीक है। मतलब क्या होता है, अगर आप अब इसको सेव करते हो तो इस फाइल में जो आपने पहले सेव एज की थी उसी फाइल में आपका अपडेट हुआ। अब चाहे आप इसको क्लोज करके ओपन करके दोबारा चेक कर लो, देखो वो जो आपने अभी 3 लाइन ली थी तो वो यहाँ पे आपकी आ गई है, ठीक है। अगर मान लो हम क्या करते हैं, मैं फिर से एक पैराग्राफ और ऐड करता हूँ 2 लाइंस का, ठीक है। बट मैं क्या करता हूँ, इसको क्लोज करता हूँ और डोंट सेव करता हूँ, तो आपको क्या दिखेगा कि वो चेंजेस यहाँ पे इस फाइल में नहीं आएंगे, ठीक है। तो सेव का आपको पता लग गया। अगर आपने कोई नई फाइल क्रिएट की है उसके बाद आप उसमें कोई भी चेंजेस करते रहोगे तो अगर आप उसको सेव करते रहोगे तो उसी फाइल में वो चेंजेस होते रहेंगे। जैसे मान लो हमने अभी एक पैराग्राफ ऐड किया था, एक पैराग्राफ हम फिर से ऐड करते हैं, एक पैराग्राफ 4 लाइंस का, देखिए 4 लाइन का ऐड हो गया। फिर से कंट्रोल एस में करता हूँ या फाइल में जाके यहाँ से इसको सेव कर देता हूँ, यहाँ से इसको क्लोज कर देता हूँ और फिर से इसको डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि वो पैराग्राफ यहाँ पे सेव हो गया है। तो हम अगर कुछ भी चेंजेस करेंगे और उस फाइल को सेव करते रहेंगे तो जो करंट फाइल आपकी ओपन होगी उसमें वो चेंजेस होते रहेंगे। बट अगर मान लो हमें कोई चेंजेस करने हैं बट हमें ये वाली चेंजेस की फाइल अलग चाहिए और जो हम नेक्स्ट चेंजेस करते हैं उसकी फाइल हमें अलग चाहिए, तो उसके लिए हम कैसे वो उसकी 2 फाइल्स बनाएंगे। तो जैसे हमने ये सैंपल की फाइल ओपन की, ठीक है, यहाँ पे आप टाइटल पढ़ ही पा रहे हो सैंपल, ठीक है, इसकी फाइल हमने ओपन की और यहाँ पे मान लो हम फिर से यहाँ पे एक पैराग्राफ ऐड कर देते हैं 5 लाइन का और एक पैराग्राफ फिर से ऐड कर देते हैं 8 लाइन का, ठीक है। अब हमें बट ये जो हमें हमने ये अब फाइल बनाई है ये हमें सैंपल में सेव नहीं करनी है, हमें ये एक और इसकी एडिशनल फाइल बनानी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इसको फाइल सेव एज करेंगे हम, मतलब जो हमने फाइल अब बनाई है उसको दोबारा हम किसी और जगह पे या सेम जगह पे कोई और नाम से हम इसको सेव कर सकते हैं। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ बट मैं इसको सेम नाम नहीं दे सकता हूँ, जैसे मैंने सैंपल पीएचपी फाइल को नाम दिया था, इसको मैं अगर सैंपल दूंगा तो वो जो हमारी पिछली वाली सैंपल फाइल होगी वो डिलीट हो जाएगी। तो मैं इसको क्या देता हूँ, नाम sample1 और इसको क्या कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ और इससे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे 2 फाइल्स बन जाएगी, एक सैंपल और एक यहाँ पे आपके पास बन जाएगी sample1। तो अगर आप सैंपल को ओपन करोगे तो आप देखोगे कि जो हमने पहले फाइल बनाई थी वो सैंपल में है और जो हमने उसके बाद सैंपल में अपडेट करके उसको नए फाइल में सेव किया तो उससे वो कहाँ पे है, आपके सैंपल 1 में है। तो
इसे कहते हैं सेव और सेव एज में डिफरेंस। अगर आप कोई चेंजेस कर रहे हो और आपको वो चेंजेस करंट डॉक्यूमेंट में सेव करने हैं तो आप क्या यूज करोगे, सेव। जैसे हम सैंपल वन को ओपन करते हैं और यहाँ पे उन चेंज फिर से कुछ चेंजेस करते हैं और उसे कंट्रोल एस मतलब सेव कर देते हैं, तो वो चेंजेस कहाँ पे होंगे, सैंपल वन पे ही वो चेंजेस होंगे सिर्फ। ठीक है, तो करंट फाइल में अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपको उसी फाइल में वो डाटा सेव करना है तो आप क्या करोगे, कंट्रोल एस या सेव का यूज करोगे। बट अगर आपको वो फाइल फिर से सेव करनी है तो आप क्या करोगे, उसको सेव एज करोगे। तो आप सेम जगह पे डिफरेंट नाम से या दूसरी जगह पे आप इसको सैंपल के नाम से भी आप कहीं पे भी इसको बना सकते हो। मान लो जैसे हमने यहाँ पे सैंपल लिया है, अगर हम इसको सेव एज द्वारा भी कर देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे फाइल पे जाता हूँ, सेव एज जाता हूँ, या तो मैंने डेस्कटॉप पे लिया था तो इसलिए हमारा क्या हुआ, इसको हम सैंपल नाम नहीं दे पाए। अगर मैं इसको किसी एक फोल्डर के अंदर लेता हूँ, यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं इस सैंपल को सेव कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एक सैंपल की फाइल यहाँ पे होगी और एक न्यू फोल्डर के अंदर भी हमारी एक सैंपल की फाइल होगी। तो ये है मेनली डिफरेंस सेव और सेव एज के बीच का। तो होप्स होगा आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोज यहाँ पे लाते रहेंगे। धन्यवाद।